नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। त्योहारों और पकवानों की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता त्योहारों के समय। और फिर अगर त्योहार 5 दिन तक हो तो सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। 2 नवंबर से पंच पर्व की शुरुआत हो रही है। 2 नवंबर यानी कि धनतेरस से ऐसा ही 5 दिनों तक मनाया जाने वाला अनूठा त्यौहार है दीपावली। इसमें पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दीपावली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और अंत में 5वें दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। त्योहारों में घर पर लजीज स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। खासकर दीपावली पर मिठाइयाँ ज़्यादा बनती हैं, पूरी पकवान बनते हैं, जिसका ज़्यादा सेवन करने से हमारी सेहत पर भी अच्छा खासा असर पड़ता है। कई बार ज़्यादा तला भुना खाने की वजह से सेहत के लिए खतरा तक पैदा हो जाता है, जिसके चलते कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना है जिससे आपकी सेहत को दुरुस्त रखा जा सके, आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर डाइटिशियन कोमल अग्रवाल जी। कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। हाय शिल्पा, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी अगेन। कोमल जी, क्या उपाय करें कि त्योहार भी मनाए और अपनी सेहत का ख्याल भी रख पाए, बताइए जरा। हाँ जी, तो आपको त्योहार भी मनाना है और अपनी हेल्थ भी ठीक रखनी है तो आपको बैलेंस करना होगा। अपने मील्स बैलेंस करने होंगे, अपना जो वर्कआउट है वो बैलेंस करना होगा। ओवरऑल आपको हर चीज को बैलेंस करके अपना फेस्टिवल एंजॉय करना है। ऐसे में बैलेंस डाइट का कैसे ख्याल रखें? बैलेंस डाइट का मतलब ये हो गया कि आपको अपना प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स को मेंटेन करना है। अपने को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप घर का बना हुआ खाना खाएं इंस्टेड ऑफ बाहर का मील, क्योंकि बाहर जो बहुत ज्यादा एक्सेस डीप फ्राइड और जो फूड होते हैं शुगरी, वो आपकी हेल्थ को हार्म कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि घर से बना हुआ खाना ज्यादा खाएंगे या घर पे अपनी चीजों को बनाइए। अपने जो स्नैक्स हैं, अपने मील्स हैं, वो घर पे ट्राई करिए कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप एंजॉय कर सकें। लेकिन कोमल जी, हमारे देश की ऐसी परंपरा रही है, संस्कृति का ये हिस्सा रहा है कि पूरी पकवान, इस तरह के स्वादिष्ट व्यंजन घर में बनाए जाते हैं, वो भी तो काफी डीप फ्राई होते हैं। ऐसे में लोग अवॉइड करें तो कैसे करें और कहां तक करें, समझ नहीं आता। तो आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको पोर्शन कंट्रोल करना है अपना। आप अपना पोर्शन कंट्रोल करिए। आप जब भी इस तरीके का डीप फ्राइड और शुगरी फूड खाते हैं, आप क्या करिए, खाना खाने से पहले 2-3 ग्लास पानी पी लीजिए। तो उससे पोर्शन अपने आप से कंट्रोल होगा, आपको ज्यादा खाने में नहीं आएगा। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं अपने जो वेट है उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी जो डिजीज है उनको मेंटेन करने के लिए। आप एंजॉय करिए फेस्टिवल, डेफिनेटली एंजॉय करिए, लेकिन साथ में आप अपना पोर्शन का ध्यान रखिए। डेफिनेटली बहुत अंधाधुंध खाने की जरूरत नहीं है, मतलब। और ऐसे में कोमल जी, जिस तरह से कोरोना ने देश और दुनिया में कहर बरपाया वो हम सब ने देखा, ऐसे में अब इस दीपावली के त्योहार पर बहुत बड़ी संख्या में लोग ये चाहते हैं कि हम अगर ऐसे इम्यूनिस्ट, ऐसे में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी ऐसी मिठाइयाँ होती है और वो किस तरह से सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? हाँ, तो आप ना, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि शिल्पा, मतलब अभी वाकई में ये चीज चल रही है, ये जो कोरोना कोविड की वजह से बहुत लोग नुकसान है, बहुत लोगों की हुई है। तो इट्स लिटरली बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला टाइम है अभी, तो हमें चूज करना है वाइजली अपने जो मिठाइयाँ हैं। आपको क्या करना है, आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली मिठाइयाँ चूज करनी है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जिसमें डेट्स होते हैं, शुगर कम क्वांटिटी में हो, या फिर जिनमें स्वीट नेचुरल तरीके से बनाई हुई वो आप कुछ। इसके अलावा आप जैसे जो हाई अमाउंट में जो शुगर जिनमें होता है वो कम खरीदें। बहुत ज्यादा मैदा से, रिफाइंड फ्लावर से जो चीजें बनी होती है उनको भी आप कोशिश करिए। होल व्हीट, होल ग्रेन्स खरीदिए। अपने आप से आई है, अपने आप से देश में चीजें भी अब मिली है। अब जो बड़े दिल्ली में आप देखा होगा कि कलेवा ब्रांड, उसमें भी ज्यादा नट्स और उससे भरी हुई है। तो आप उस तरीके की चीजें परचेज कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। और ऐसे में आज की तारीख में बड़ी संख्या में शुगर पेशेंट्स भी हमारे देश में मौजूद हैं, और वो हर वर्ग से है, हर तबके से है, और एज ग्रुप भी ऑलमोस्ट सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को खासतौर पर आप क्या कहना चाहेंगी, ये कैसे अपनी
मिठाइयों का ख्याल रखते हुए त्योहारों की मिठास भी बरकरार रख सके और इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा सके, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज पेशेंट तो वाकई इंडिया में बहुत है, तो लेकिन अब जैसे फेस्टिवल्स होता है तो थोड़ा बहुत मीठा खाने में आता ही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उस तरीके का वाइजली अपने फूड्स चूज करिए। और मिठाई तो आपको डेफिनेटली ज्यादा बिल्कुल नहीं खानी है। आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो इंसुलिन स्पाइक हो सकते हैं, तो एक तो आपको मीठा कम खाना है, जो भी खाना है नेचुरल शुगर से बना हुआ ट्राई करिए, और जो ये शुगर फ्री मिठाइयाँ जो मार्केट में मिल रही हैं वो भी आप ट्राई करिए कि थोड़ा कम खाइए आप, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खानी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ही करती है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं अभी इन दिनों में अगर फेस्टिवल्स है और हमारे खाने में कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हैं, तो उससे आप अपना जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से इन टिप्स को फॉलो किया जा सकता है, त्यौहार भी मनाए जा सकते हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रखा जा सकता है। कोमल जी, साल भर फेस्टिवल्स का इंतजार होता है क्योंकि फेस्टिवल्स आने के बाद मीठा खाने को मिलता है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, ऐसे में एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी हो जाती है, मील्स का ख्याल नहीं रखा जाता या फिर बहुत ज़्यादा तला भुना खा लिया जाता है, जिसके बाद फिर असर दिखना शुरू होता है हमारी सेहत पर, फिर बीमारियाँ भी हमें घेरने लगती हैं, और ख़ासतौर पर जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है उनके लिए स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है। ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी, अपनी मील्स का ख्याल कैसे रखा जाए, किन किन खास चीज़ों को अपनी थाली में शामिल करें और किन खास चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करें? तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी बीमारी से झूल रहे हैं तो आपको बैलेंस डाइट फॉलो करना है, उसमें आप प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स तीनों का कॉम्बिनेशन खाएंगे जी। तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है जी। हेलो कोमल जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो आपको क्या करना है कि प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके मील में सब चीजें होनी चाहिए जी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में शुगरी फूड्स, डीप फ्राइड और इस तरीके के मील्स नहीं लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको हार्म करेंगे। आपको बहुत तेज नमक वाली चीजें अवॉइड करनी है, शुगर अवॉइड करना है बहुत ज्यादा अमाउंट में, अगर शुगर आपकी थाली में है तो आपको नहीं लेना, अवॉइड करना है पक्का से। आपको अल्कोहल कम इंटेक करना है, आप सिगरेट नहीं लेंगे जी। जो आप लेते हैं, अभी इन दिनों में पार्टीज भी बहुत होती है, तो लोग क्या करते हैं, नाइट में ताश पार्टीज में बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं और उसके बाद में वाटर की डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, तो उससे भी अगले दिन बहुत ज्यादा हैंगओवर होता है। तो आपको ये चीजों को अवॉइड करना है पक्का। और खाने में अपने को सब चीज खानी है, बैलेंस मील खाना है, जिससे कि हमें बॉडी में कोई भी चीज की कमी ना हो। तो उसके लिए आप जैसे रोटी, सब्जी, दाल, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन भी ले सकते हैं अपनी डाइट में, और एग्स खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, इस पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, इस तरीके के प्रोटीन रिच डाइट आप लीजिए। तो वो आपने पनीर का जिक्र किया कोमल अग्रवाल जी, जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन फेस्टिवल सीजन में चिंता की बात ये हो जाती है कि दूध और पनीर में मिलावट होने लगती है, क्योंकि जो व्यापारीगण है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावट पर उतर जाते हैं और उसका खामियाजा फिर लोगों को अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भुगतना पड़ता है। ऐसे में कैसे इन बातों का ख्याल रखा जा सकता है, दूध पनीर कैसे एटलीस्ट हम घर पर इन तीन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम मिलावटखोरों से बच कर रह सकें? आप पनीर घर पर बना सकते हैं आराम से, आप पनीर की खीर बना सकते हैं, पनीर से आप रसगुल्ले बना सकते हैं बहुत इजीली घर पर। तो इस तरीके से आप अगर मिठाइयाँ घर पे ट्राई करेंगे, डेट्स की जो बहुत अच्छी स्वीट बनती है घर पे, आप बहुत तरीके के सीड्स को मिक्स करके आप वो मिठाइयाँ घर पे बनाइए, तो वो आपको नुकसान भी नहीं करेंगी और आप इंजॉय भी कर पाएंगे। इवन आप कोकोनट के लड्डू भी बना के खा सकते हैं। बिल्कुल, इस तरीके की अगर मिठाइयाँ आप इंजॉय करेंगे घर पे बनाकर, और जो फूड घर पे, जो मिठाइयाँ घर पे बनती है वो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बचा लेती है, क्योंकि हाँ उनमें शुगर भी आप अपने हिसाब से डालेंगे जी। थोड़ा सा शुगर को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं पैटर्न, आप जैसे डेट शुगर आती है, कोकोनट शुगर आती है वो लीजिए आप। इसके अलावा आप ये जैगरी का यूज कर सकते हैं अपनी मिठाई में। तो यानी कि
फेस्टिवल सीजन में अगर मजबूरी है मिठाइयाँ खाने की, किसी ने आपको ऑफर किया है और आपको खाना ही पड़ रही है, तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल में ले सकते हैं, यानी कि कम कम ले, अपनी मील्स को छोटा करें ताकि ओवर ईटिंग से आप खुद को बचा सकें और इस तरह से अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें। इन बातों का ख्याल रखना होगा, यानी बिल्कुल ये आपको डेफिनेटली करना है। और साथ में अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है वो रखनी है, मॉर्निंग में आपको आधे घंटे की वॉक करें या एक्सरसाइज करें, वो पक्का करना है आपको, क्योंकि उससे आपको न तो वेट गेन होगा, अगर इंसुलिन स्पाइक हो रहे हैं तो वो कम होंगे, वो आपको डायबिटीज में भी हेल्प करेगा। और ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर है तो आप पानी अच्छे से पीजिए, आपको पानी खूब पीना है जी, अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है, पानी की कमी नहीं होने देनी है, इसलिए पानी का अच्छा इनटेक आपकी बॉडी में होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना होगा। कोमल जी, अब अगर बात करें तेल की, तो जितना भी डीप फ्राई खाना बनता है जाहिर सी बात है तेल में पूरी तरह से डुबोकर बनाया जाता है, ऐसे में तेल किस हद तक नुकसानदायक साबित होता है, या फिर देसी घी में हमें अपना सारा खाना बनाना चाहिए, कम से कम अगर हम घर पर बना रहे हैं तो इतना तो किया ही जा सकता है ताकि अपनी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़ने दिया जाए। बिल्कुल, आप तेल जैसे सरसों का तेल होता है वो बेस्ट है आप, और इंडिया में बहुत इजीली मिल भी जाता है, तो आप सब्जियों में तो सरसों का तेल बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको अभी पोर्शन कंट्रोल आपको पक्का करना है। इसके अलावा देसी घी आप यूज़ करिए अपनी स्वीट्स में, तो देसी घी हमारा मतलब बहुत हेल्दी है, उसमें विटामिन ए होता है जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ में भी हेल्प करता है और इसमें भी हेल्प करता है। तो आप कोशिश करिए कि अपना जो खाना है वो देसी घी में बनाइए, और मिठाइयाँ देसी, और देसी घी भी आप कोशिश करिए कि घर का बना हुआ मक्खन या घी यूज़ करिए, तो वो और ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। यानी कि जितना पॉसिबल हो सके अपने घर पर बनी हुई चीज़ों का ही लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावट कर ही देते हैं, कितनी भी बड़ी कितनी भी महंगी ब्रांडेड शॉप से क्यों ना खरीद लिया जाए, गारंटी कहीं भी नहीं होती जितनी गारंटी घर पर बने सामानों की हो सकती है, क्योंकि वह हम खुद बनाते हैं और जाहिर सी बात है खुद बनाएंगे तो उसमें मिलावट नाम की कोई चीज़ होगी नहीं। हमने पानी का जिक्र किया, हमने तेल का जिक्र किया, हमने दूध का जिक्र किया, पनीर का जिक्र किया, इसके अलावा वजन बढ़ने का, कैलोरीज का ज़्यादा इनटेक होने का खतरा पैदा हो जाता है, कोमल अग्रवाल जी उस पर कैसे हम नज़र रख सकते हैं, उसे कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? बिल्कुल, आप इस टाइम पर कैलोरी का भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये बीमारियों में भी हेल्प करता है, आपको एक्सरसाइज करना और वॉक या एक्सरसाइज सुबह अगर हाफ एन आवर आप कर लेते हैं तो वो आपके वेट को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फूड आप लेने से पहले जब भी बाहर निकलते हैं अपने आप को थोड़ा सा फिल करके निकलिए, ऐसे ही मत निकल जाइए एम्प्टी स्टमक। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई पार्टी में जा रहे हैं, तो छोटी स्मॉल मील्स आप लेकर जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जैसे ही आप पार्टी में जाएंगे तो एकदम से आपको भूख नहीं लगेगी और एकदम से आप ज़्यादा मील नहीं कंज्यूम करेंगे, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फूड को कंज्यूम करने से पहले आप 2-3 ग्लास पानी पी लीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा आपके वेट को मेंटेन करने में। और जब भी आप खाना खा लेते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसका भी एक ट्रिक है कि आप हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद एक ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प कर जाएगी आपको। यानी कि ओवर ईटिंग अगर हो भी गई तो ग्रीन टी आप कंज्यूम कीजिए ताकि साथ के साथ ही मरम्मत भी हो सके, जो गलत इंटेक्स गए हैं अंदर से वो डिटॉक्सिफाई हो सके। ठीक है कोमल जी, ऐसे में देखा जाता है त्योहारों के समय जिन लोगों को मिठाई कुछ ज्यादा खास पसंद होती नहीं है वो कोशिश करते हैं, प्रिफर करते हैं चॉकलेट्स खाने की, तो वो कितनी सेफ होती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं चॉकलेट्स तो खानी ही चाहिए, वो तो सालों साल खाई जा सकती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका भी कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट होता होगा, क्योंकि एक्सेस में खाएंगे तो जाहिर सी बात है वो नुकसानदायक होगा ही, इस पर क्या कहेंगे? मीठा देखिए, आप किसी भी फॉर्म में खाइए मीठा, अगर आप एक्सेसिव खाएंगे तो वो नुकसान करेगा ही करेगा, चाहे आप नेचुरल शुगर खाइए, चाहे आप रिफाइंड मीठा खाइए, कोई सा भी शुगर आप लेंगे, तो आपको पोर्शन कंट्रोल तो डेफिनेटली करना है। अगर आप चॉकलेट्स खाते हैं तो चॉकलेट भी अगर आप मिनिमम अमाउंट में खा रहे हैं या पोर्शन कंट्रोल करके खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली डार्क चॉकलेट, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो आप डार्क चॉकलेट का एक पीस तो वेट लूज करते वक्त भी आराम से खा सकते हो। और जो दूसरी जो भी आपकी चॉकलेट्स हैं वो भी आप पोर्शन कंट्रोल करके खाइए तो कोई आपको इतना नुकसान नहीं होने वाला बॉडी में, बट ये है कि पोर्शन इज अ की। यानी कि मिल्क चॉकलेट से ज्यादा बेहतर डार्क चॉकलेट्स होंगी, वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा बेहतर होंगी क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।
बिल्कुल, तो आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, और अगर ठीक नॉर्मल चॉकलेट भी खाई जा रही है तो आप हाँ थोड़ा सा खाइए, लिमिट करके खाइए, तो वो आपको इतना हार्म नहीं करेगी। और अगर आपको लगता है कि भाई खा ली हमने, तो आप उसके नेक्स्ट डे पे भी थोड़ा सा अपना वर्कआउट बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप हाफ एन आवर की अगर वॉक कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे की वॉक करिए अगले दिन, ताकि आपका जो मील है वो बैलेंस आउट होगा। अगले दिन फिर आप थोड़ा सा फ्रूट्स पे जाइए, सैलेड्स पे जाइए, वाटर पे जाइए, थोड़ा सा जी, नारियल पानी पे जाइए, तो वो आपको काफी बैलेंस कर देगा। यानी कि अपनी थाली में इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड करें ताकि कोई भी साइड इफेक्ट इन खानों का आपकी बॉडी पर पड़ने ना पाए। लेकिन कोमल अग्रवाल जी, दिवाली के समय सोन पापड़ी के डब्बों का क्या करें, उसका कोई सोहन समाधान पापड़ी, बताइए। देखिए सोहन पापड़ी लिमिट में ही लाइए अपने घर पे, और कोशिश करिए कि हेल्दी तरीके से अपने मिठाइयाँ बनाइए। आप खीर बनाइए, पनीर की खीर, अगर आप एक बोल खा भी लेते हैं तो उतना नुकसान नहीं होगा। राइस की खीर बनाइए, आप कोकोनट के लड्डू बनाइए, सोहन पापड़ी कोशिश करिए कम ही खाइए, क्योंकि वो इतना फायदा नहीं करेगी आपको। लेकिन जो इतनी सारी गिफ्ट्स में मिल जाती है, अब वो फेंकी तो जाएंगी नहीं, फिर तो कंज्यूम कर आप ली जाती है, हाँ तो तो वो ऐसे में आप वो एक्सेसिव कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है, जरा दर्शकों को बताएं। हाँ वो आपको बहुत हार्म, अगर आप एक्सेसिव खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है उससे, क्योंकि उसमें रिफाइंड फ्लावर यूज होता है, रिफाइंड ऑयल यूज होता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है उसमें, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है उससे, आपके इंसुलिन लेवल्स हाई हो सकते हैं, आपको शुगर इंक्रीज हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, तो बहुत सारी जो आपकी जो ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है अगर, तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ये सोहन पापड़ी ज्यादा कंज्यूम करने से। तो आप प्लीज ट्राई करिए कि बहुत ही पोर्शन कंट्रोल करके खाइए या ना खाइए सोहन पापड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स लिए जा सकते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्कुल हार्म ना करे और हमारा हाँ त्योहार ड्राई भी मन जाए। फ्रूट्स बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स आप सारा खा सकते हैं, किसी भी तरीके का आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो अगेन सेम प्रॉब्लम है, अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके नहीं खाएंगे तो आपको हर चीज नुकसान लेकिन करेगी। कोमल जी, आजकल देखा जा रहा है काजू बादाम से ज्यादा अंजीर की डिमांड इस समय मार्केट में ज्यादा बढ़ी है, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं अंजीर ऐसा नहीं है, काजू बादाम अपनी जगह है, अंजीर अपनी जगह है, अंजीर एक नेचुरल स्वीटनर भी है, तो लोग अभी आजकल मिठाइयों में भी इसको बहुत यूज कर रहे हैं, और अंजीर ये अंजीर में डायबिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो हमारी बॉडी में से जैसे जो टॉक्सिसिटी है उसको भी रिमूव करने में थोड़ा हेल्प कर देती है, कॉन्स्टिपेशन को प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है अंजीर, तो लोग आजकल खा लेते हैं 1-2 पीस और उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन अगेन पोर्शन कंट्रोल करना है। कंट्रोल में खाना है, जो भी खाना है कंट्रोल में खाना है। अगर आप सब कुछ खाना चाहते हैं खाइए, लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में खाएंगे तो आपकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट्स नहीं पड़ने वाले हैं। कोमल अग्रवाल जी, वैसे तो साल भर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन फेस्टिवल सीजन में लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए अपने व्यायाम का, अपनी सेहत का, इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगी, कैसे वो अपनी रूटीन को रखें, क्योंकि रात भर पार्टीज होती है, लेट से सोते हैं, लेट से जगते हैं, मॉर्निंग वॉक छूट जाती है, लेकिन लोगों को क्या चीज अपने पल्लू बांध लेनी चाहिए ताकि फेस्टिवल्स भी मना लिए जाएं और उनकी सेहत पर आंच तक ना आने पाए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर लेट नाइट पार्टीज आपकी हो रही है और खाने में भी आ रहा है, ओवर ईटिंग हो रही है, तो आप मॉर्निंग में अगर जब भी उठते हैं तो आप उठ के एक बार अगर कोशिश करिए कि अगर आप वॉक पर जा सकते हैं तो बेस्ट है, वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे अपने आप को थोड़ा फिजिकली एक्टिव रखिए, और पानी का अच्छा ध्यान रखिए अगले दिन। फिर क्या करेंगे, ताकि क्योंकि लेट नाइट पार्टीज में जनरली होता क्या है, अल्कोहल और वो सब हम इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी अगले दिन डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो बॉडी को वापस हाइड्रेट कर देता है वो, तो आप बनाना का इंटेक कर सकते हैं, पानी अच्छा पीजिए, नारियल पानी पी लीजिए आप, और जो सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं, इस तरीके की फूड आप अगर अगले दिन खाते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी, मेंटेन रहेगी, आपको उतना ज़्यादा हार्म नहीं होगा पार्टी का। ठीक और है, लेमन वाटर भी आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं तो लेमन वाटर यूज़ करिए आप अगले जी। दिन। और कोमल जी, खास तौर पर देखा जाता है जो लोग डायबिटिक होते हैं वो शुगर तो खाते नहीं, लेकिन शुगर फ्री के ऊपर, इस तरह के सप्लीमेंट्स के ऊपर वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो कितना खतरनाक साबित होता है उनके लिए?
हाँ देखिए, अगर शुगर फ्री की बात की जाए तो शुगर फ्री भी अगर आप थोड़ा खा रहे हैं, मतलब पूरा दिन में एक या दो टैबलेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन आपको ओवर कंज्यूम उसको भी नहीं करना, उसकी बनी हुई मिठाइयाँ आपको नहीं खानी, क्योंकि एट द एंड वो केमिकल्स हैं जो बॉडी में जाके, क्योंकि केमिकल्स से ही स्वीटनर्स बनते हैं, तो वो बॉडी में जाकर हमें हार्म ही पहुंचाते हैं, वो कहीं आपको फायदा नहीं देने वाले। बस हाँ, स्टीविया शुगर है जो आपको ठीक है, आपके लिए हेल्थ के लिए ठीक है और आपकी शुगर लेवल्स को भी मेंटेन कर सकती है, तो आप स्टीविया शुगर का यूज कर सकते हैं ठीक है। अगर आप डायबिटिक हैं। ऐसे में कोमल अग्रवाल जी, जाते जाते इस बार थाली में क्या सजाए, क्या परोसे हम, अगर मेहमान भी हमारे घर में आ रहे हैं, ताकि हर्षोल्लास के साथ त्योहार भी मनाया जा सके और सेहत का भी ख्याल रखा जा सके। जाते जाते हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ तो शिल्पा जी, अगर आपको दिवाली भी अपनी अच्छे से मनानी है और अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, वेट का भी ध्यान रखना है, बीमारियों का भी ध्यान रखना है, तो आपको हेल्दी और बैलेंस मील, मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि हेल्दी और बैलेंस मील बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तो आपकी थाली में सब कुछ होना चाहिए, दाल सब्जी रोटी पूरी जो भी अगर आप खा रहे हैं तो बैलेंस करके खाइए, कंट्रोल में खाइए, वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। और अगर आप मिठाइयाँ यूज़ कर रहे हैं तो आप घर से बनी हुई मिठाइयाँ कोशिश करिए कि खाइए, बिल्कुल और अगर आप बाहर से भी लाते हैं तो वाइजली आप उनको चूज करिए, आप ऐसी मिठाइयाँ मत लीजिए ठीक जो है। बहुत ज़्यादा मैदा और बहुत ज़्यादा शुगर से बनी हुई है। आप कोशिश करिए कि जैसे दूध से बनी हुई मिठाई या फिर जिसमें पनीर यूज हुआ है वो और पनीर मिठाई अगर कुछ घर इस का बना तरीके, हो तो फिर वाह भाई तो वो वाह। बेस्ट चलिए, है। बहुत हाँ बहुत बिल्कुल शुक्रिया आपका कोमल अग्रवाल जी, आपने समय निकाला, इस चर्चा में शामिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से कोमल अग्रवाल जी की टिप्स मुझे उम्मीद है आप ज़रूर फॉलो करेंगे और इस तरह से इन त्योहारों में अपनी सेहत का भी पूरा पूरा ख्याल आप रख सकेंगे। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।